वीडियो शुरू करें उससे पहले आप सब लोगों के लिए एक जरूरी सूचना, अब से आप लोग क्राफ्ट मटेरियल घर बैठे मंगवा सकते हैं। आप लोगों के जो मैसेज आते थे, कमेंट्स आते थे कि आप जो यहाँ पर सिखाते हैं हम वैसा सेम बना नहीं पाते क्योंकि हमें मटेरियल नहीं मिल पाता। बड़ी सिटीज में फिर भी आपको मटेरियल मिल जाता है, लेकिन छोटी सिटीज में या गाँव में जो लोग रह रहे हैं उनको ये सब मटेरियल अवेलेबल नहीं हो पाता। तो अब से ये मटेरियल की जो सुविधा है हम लोग होम डिलीवरी करते हैं। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्वालिटी के बारे में निश्चिंत रहिए, आपका जो ऑनलाइन मार्केट है या फिर लोकल मार्केट है वहाँ से आप रेट्स वगैरह भी कंपेयर कर सकते हैं। तो आई होप अब से ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, आप जैसा यहाँ पर मुझे बनाते हुए देखते हैं सेम वैसा बना पाएंगे, जो जो मटेरियल मैंने अपने वीडियोस में यूज़ किया, और बहुत सा मटेरियल आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। आज के वीडियो में हम इस तरह की तोरण बनाना सीखेंगे। दिखने में जितनी सुंदर है बनाने में उतनी ही आसान है। तो इसके लिए सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है वो है तोरण का बेस। ये हमें चाहिए गोल्डन कलर की, इस तरह की लेस आती है। 2.5 इंचेस जो है इसकी चौड़ाई है और 36 इंचेस मैंने लंबाई ली है, जो कि नॉर्मली हमारे डोर का साइज होता है। पीछे में फ्यूजिंग है और ऊपर नीचे मैंने स्टिच भी कर दिया है ताकि मजबूत रहे। लूप बनाने के लिए फ्यूजिंग का ही स्ट्रिप का हमने लूप बनाया है और इसके साथ रिंग अटैच कर दी है दो कॉर्नर्स पर और एक सेंटर में इसे हैंग करने के लिए। ये कॉटन फ्यूजिंग है। उसके बाद बेस बनाने के लिए यहाँ किनारे से हम शुरू करेंगे। ये फ्लावर है हमारे पास, फैब्रिक फ्लावर है मैजेंटा कलर का। इस तरह से जो है देखिए इसमें लेयर्स बनी हुई है। ऊपर में जो है नेट फैब्रिक है और नीचे में सेटिन फैब्रिक है, रेडीमेड फैब्रिक है। इसे जो है इसी के कलर का यहाँ कॉर्नर में हम इसे पेस्ट करेंगे और इसी का दूसरा कलर येलो कलर हमारे पास है। यहाँ पर देखिए इनके साथ ये लीव्स भी है, गोल्डन कलर की अटैच्ड है। तो एक फ्लावर की लीफ हम नीचे की तरफ रखेंगे और एक की ऊपर की तरफ रखेंगे और इस तरह से जो है एक मैजेंटा कलर और एक येलो कलर, और इस क्रम में हम इसे इसके ऊपर चिपकाएंगे जो बेस है उसके ऊपर। आप चाहे तो इसे हैंड स्टिच कर सकते हैं, उसमें थोड़ी मेहनत है, नहीं तो फैब्रिक ग्लू यूज़ कर सकते हैं या फिर ग्लू गन तो है ही, जो कि फैब्रिक टू फैब्रिक बहुत अच्छा चिपकाता है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर हम ग्लू लगाएंगे। इसकी पेटल्स देखिए थोड़ी सी मुड़ी हुई है क्योंकि फैब्रिक है ये रखे रहने से, एक दूसरे के ऊपर रहने से। तो इस तरह से जो है हम ग्लू लगाकर और इसकी पेटल्स को यहाँ पर इस तरह से फ्लावर को खोल देंगे ताकि जो नीचे का सेटिन है वो ज़्यादा ना दिखे और इसके और ये खुला खुला लगे। तो इस तरह से जो है एक दूसरे के ऊपर कवर नहीं करना है हमें, बस पास पास में चिपकाना है। एक जो फ्लावर है वो दूसरे से कवर नहीं होना चाहिए, इनको हमें पास पास में इस तरह से चिपकाना है। और इसी तरह से जो है पूरे बेस में हमें इसी क्रम में एक मैजेंटा कलर और एक येलो कलर, इसी क्रम में जो है हमें फ्लावर्स चिपकाने हैं। चूंकि ये फैब्रिक फ्लावर है ये तोरण वॉशेबल होगी कम्प्लीटली, आप इसे वॉश कर सकते हैं। और इस तरह से जो है ये बेस हमारा रेडी है, फ्लावर्स का जो बेस है हमारा वो रेडी है। इन फ्लावर्स को हम बाद में चिपका लेंगे, खोल लेंगे जो मुड़े हुए हैं उनको। उसके बाद लटकन के लिए हम क्या करेंगे, लटकन की जगह एक तो ये गोल्डन कलर की बैंगल है हमारे पास, पर्ल्स लगे हुए इसमें ऑफ वाइट और गोल्डन कलर के। जो मैजेंटा कलर के फ्लावर्स है सिर्फ उनके नीचे हमें इन्हें इस तरह से रखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे से हम बेस पर इसे चिपकाएंगे। तो आप चाहे तो दो तरीके हैं इसे चिपकाने के। पहला तो आप बेस पर ग्लू लगाकर और इस तरह से बेस पर ग्लू लगाकर और बैंगल को यहाँ पर चिपका दीजिए। अगर हैंड स्टिच करते हैं तो सबसे अच्छा है, निकलेगा नहीं ग्लू का, फिर भी निकलने का डर रहेगा। यहाँ जल्दी जल्दी दिखाने के लिए मैं ग्लू से चिपका रही हूँ। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको आइडिया ना हो कि एग्जैक्ट इसका सेंटर क्या होगा तो बेस को सीधा आप रखिए और बैंगल के ऊपर ग्लू लगाइए और इसे जो है बेस के नीचे खिसका दीजिए। थोड़ा सा प्रेस कीजिए, ग्लू है बहुत जल्दी सूख जाएगा, ग्लू स्टिक है।
और इस तरह से जो है मैजेंटा कलर के जितने भी फ्लावर्स हैं, 7 फ्लावर्स इसमें लगे हैं, उनके नीचे हमें ये बेंगल्स चिपकानी है। येलो कलर के नीचे हम दूसरी तरह की लटकन लगाएंगे। उसके लिए ये देखिए इस तरह की पोमपोम की लटकन हम लगा रहे हैं। 2 कलर के जो फ्लावर्स हैं उन्हीं 2 कलर के पोमपोम्स हम यूज़ करेंगे। तो बैक साइड से जो है हम इसे रखेंगे, बेंगल्स के बीच में जो जगह है वहाँ पर ये लटकन हम लगाएंगे। तो इन बेंगल्स का जो सेंटर है वहाँ पर हमने मार्क किया है और दोनों साइड 1/2 इंचेस की दूरी पर हमने मार्क किया है। तो 3 मार्क्स हमने यहाँ पर किए हैं। थ्रेड और नीडल हमने लिया है, उसके साथ हमें पर्ल अटैच करना है। ये मैं पूरी तरह से कवर नहीं कर पाई, लेकिन आप लोगों को आइडिया होगा, हमने अपने बहुत से वीडियोस में इसी तरह से लटकन लगाए हैं। तो ये थ्रेड के साथ हमने पर्ल अटैच किया है और सबसे पहले जो है येलो कलर का हम पोम पोम यहाँ पर डालेंगे। ये देखिए ये जो पर्ल था 8 mm का, इसने इसे अटैच कर लिया है। और बाकी जो थ्रेड है उसमें 4 ऑफ वाइट कलर के और 5 गोल्डन कलर के 8 mm के पर्ल्स हमने डाले हैं। और इसे जो है बहुत सिंपल तरीका है बेस के साथ अटैच करने का, इस तरह से जो है एक बार और थ्रेड को हम घुमा लेंगे और इस तरह से जो इसे अटैच कर लेंगे। और यहाँ से जो है दूसरा हमारा मार्क है, जो सेंटर का मार्क है वहाँ पर हम जंप करेंगे। यहाँ पर एक लूप हम बना लेंगे इस तरह से, जिस तरह से चेन स्टिच होती है उसका जो लूप बनता है उस तरह से बनाया। और यहाँ पर जो हमने 5 और 4 पर्ल्स लिए हैं, तो सेंटर के लिए हम 5 गोल्डन और 7 ऑफ वाइट कलर के पर्ल्स लेंगे। ये बीच का जो लटकन है इसे हम लंबा कर रहे हैं थोड़ा। और यहाँ पर जो है हम मैजेंटा कलर का पोम पोम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यही 2 कलर के फ्लावर्स हैं हमारे पास, तो यही 2 कलर हम अपने लटकन में पोम पॉम्स में यूज कर रहे हैं। यहाँ से जो है नीडल को हमें फिर से घुमाना है, फिर से ऊपर की तरफ लेके आना है। इस तरह की लटकन हमने अपने बहुत से वीडियोस में लगाई, आपको आइडिया होगा, फिर भी मैं दिखा रही हूँ अगर कोई नए व्यूअर्स हैं उनके लिए। और इसी तरह से जो है ये तीसरा मार्क है, वहाँ पर हमें जंप करना है। और जो येलो कलर का पोम पोम हमने लगाया था, ठीक उतने ही हमें पर्ल्स लेने हैं और येलो कलर का पोम पोम यहाँ पर हमें लगाना है। तो जो थर्ड होगा वो फर्स्ट का सेम होगा इस तरह से। तो कंप्लीट होने के बाद हमारी तोरण कुछ इस तरह से दिखाई देगी। लाइट थोड़ा कम है, इसका कलर डिफरेंट आ रहा है, लेकिन ये बनी हुई बहुत सुंदर लग रही है। आई एम श्योर आपको भी वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई डाउट्स या सजेशंस है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।